अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर रोशनी इनताफ इनकास के अगले अहम सवालात के साथ, जो कि सेकेंड यहाँ पर जो है कुर्रवी लेंसों के ज़रिए इनताफ इस टॉपिक से होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, लेंस क्या है? लेंस क्या है, इसकी किस्में बताइए। तो लेंस क्या होता है? दो सतहों वाले शफाफ मादे से बनता है। लेंस दो सतहों वाले शफाफ मादे से बनता है जिसकी एक या दोनों सतहें कुर्रवी होती हैं। ओके, एक सतह दो सतह लेंस होते हैं। तो लेंस की दो किस्में हैं, किस्में भी पूछी गई है ना। तो मुहद्दब लेंस या तकारुबी लेंस, या फिर और दूसरा जो है मुकर लेंस या गैर तकारुबी लेंस। तो ये आपने याद रखना है, लेंस क्या है और उसकी किस्में कौन सी हैं। उसके बाद अगला सवाल है, लेंस मुहद्दब लेंस और मुकर लेंस क्या है? मुहद्दब लेंस को तकारुबी लेंस भी कहते हैं। ओके, तो कभी अगर तकारुबी लेंस दिया गया है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये मुहद्दब लेंस ही है। तो लेंस जिसकी बाहर की तरफ उभरी हुई दो कुर्रवी सतहें हों, जो किनारों के बीच मुकाबले बीच में क्या है, मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? मुहद्दब लेंस कहते हैं, या फिर तकारुबी लेंस। इसमें जो है देखिए, दोहरा मुहद्दब दोनों तरफ से इस तरह, ये मस्ता मुहद्दब एक तरफ से सीधा, एक तरफ से मुहद्दब, और मुकर मुहद्दब इस तरफ से अंदर और इस तरफ से बाहर। तो उसके बाद जो है मुकर लेंस या गैर तकारुबी लेंस, लेंस जिसकी अंदर की तरफ खमदार दो कुर्रवी सतहें हो, जो बीच के मुकाबले में किनारों पर मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुकर लेंस या गैर तकारुबी लेंस। अपोजिट है इसका, मुहद्दब बीच में मोटा और किनारों में क्या है, बारीक, और मुकर जो है बीच में पतला और किनारों में मोटा। ये गैर तकारुबी है और तकारुबी है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे ये क्या है। ये दोहरा मुकर दोनों तरफ से, मस्ता मुकर, ओके, और ये मुहद्दब मुकर, इस तरफ से मुहद्दब इस तरफ से मुकर। ओके, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, कुर्रवी लेंसों में इनताफ के हवाले से ज़ेल की तारीफ कीजिए। मरकज़ इन्हिनाम, निस्फ़ कुतर इन्हिनाम, ख़ास महवर, नूरी मरकज़, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लंबाई, अपर्चर, फोकल सतह। तो ये सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करना है ज़रूरी। ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा जो है एक ही सवाल में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है इनमें से कोई चार, कोई तीन, या फिर कोई दो भी पूछा जा सकता है मार्क्स के लिहाज से। तो आपने ये सारे जो है ये क्या है याद रखना है, हर एक का जो है डेफिनेशन याद रखना है। तो यहाँ पर जो है मुकर लेंस का गैर तकारुबी अमल और मुहद्दब लेंस का तकारुबी अमल पहले एक बार देख लें, तो आगे हमको इसके बारे में जो पीछे भी तकारुबी और गैर तकारुबी दिया गया था ना, यही है। तकारुबी मतलब एक ये पूरे रोशनी की शुआओं को एक नुक्ते पर फोकस करता है मुहद्दब लेंस, और गैर तकारुबी मतलब रोशनी की शुआओं को नुक्ते से हटाता है, बिखेर देते हैं रोशनी की शुआओं को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है मरकज़ इन्हिना, तो मरकज़ इन्हिना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसी लेंस की सतह का मरकज़ इन्हिना उस कुर्रे का मरकज़ होता है जिससे लेंस का वो हिस्सा बना है। मतलब ये कि हर लेंस जो है दो कुर्रों से बना होता है, एक कुर्रा यहाँ देखिए, ये एक कुर्रा है, ओके, और ये
दूसरा कुर्रा है। अब ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये है लेंस। तो उस किसी लेंस की सतह का, अभी लेंस की जो सतह है ना, सतह का मरकज, मरकज यानी ना क्या है, उस कुर्रे का मरकज होता है जिससे लेंस का वो हिस्सा बना है। उस कुर्रे का मरकज होता है जो लेंस का हिस्सा है, लेंस का जो हिस्सा होता है ना उसी कुर्रे का मरकज हम क्या कहते हैं, उसको मरकजन ही ना कहते हैं। लेंस दो कुर्रवी सतहों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसके दो मरकजन ही ना होते हैं। ओके, C1 और C2 मरकज है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C का नाम देते हैं, तो इसको हम C1 और C2 कहते हैं, दो मरकज ही ना होते हैं ना इस वजह से। तो अब नेक्स्ट जो है निस्फ कुतरीन है ना, तो इसका यही जो सर्कल है ना, यही जो कुर्रा है इसका निस्फ कुतर। तो किसी लेंस की सतह का निस्फ कुतर हिन्ना उस कुर्रे का निस्फ कुतर है जिससे लेंस का हिस्सा, लेंस का ये हिस्सा ना जिससे बना है, जिस कुर्रे से बना है उसका। तो एक लेंस के जो है दो निस्फ कुतर हिन्ना होते हैं, R1 और R2। तो यहाँ पर एक नज़र देखिए आगे बढ़ने से पहले, मुहद्दब लेंस, ये एक कुर्रे से दूसरा कुर्रा इस तरफ जा रहा है, तो ये जो है पहले कुर्रे का मरकज़ेन ही ना, दूसरे कुर्रे का मरकज़ेन ही ना, C1 C2, और ये जो सतह से मरकज़ेन ही ना का जो फासला है, देखिए इसको हम कहते हैं R1 R2 निस्फ कुतर ही ना। ओके, यहाँ भी सेम केस है। आगे देखिए थर्ड, खास महवर या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों मरकज़ इन्हिना से होकर गुजरने वाली ख्याली सीधी लाइन खास महवर कहलाती है। यहाँ देखिए मरकज़ इन्हिना C1 C2 C1 और C2 से जो ख्याली लाइन होकर गुजरती है, C1 और C2 से होकर गुजरने वाले ख्याली लाइन, ये क्या है, हमारा खास महवर। उसके बाद जो है अगला पॉइंट, नूरी मरकज ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का मरकजी नुक्ता जहाँ से रोशनी की शुआएं बगैर किसी इन्हराफ से गुजर जाती हैं। अब जो है लेंस का, लेंस जिस कुर्रे का हिस्सा है उसका तो मरकज हमने देख लिया ना, तो अब ये जो लेंस है उसका मरकज, यह है नूरी मरकज। यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से रोशनी की शुआएं बगैर किसी इन्हराफ के आगे बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा ना, देखिए ये यहाँ इस सब तरफ से इन्हराफ हो रहा है, रोशनी की शुआएं जो है बेंड हो रही है, देखो मुड़ रही है, लेकिन नूरी मरकज पर क्या होता है, रोशनी की शुआएं सीधी जाती है बगैर किसी इन्हराफ के, क्योंकि नूरी मरकज से कोई इन्हराफ नहीं होता, यहाँ पर देखो इन्हराफ होता है। तो यह है नूरी मरकज। उसके बाद जो है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को हम यफ से जाहिर करते हैं, लेंस के महवर खास या खास महवर पर पाया जाने वाला वो नुक्ता जहाँ महवर खास के मुतवाजी रोशनी की शुआएं लेंस से गुजरने के बाद मिलती हैं या मिलते हुए नज़र आती हैं। ओके, अब यहाँ पर ही देखिए लेंस के महवर खास, ओके, महवर खास पर पाया जाने वाला वो नुक्ता जहाँ महवर खास के मुतवाजी, महवर खास के मुतवाजी जितनी रोशनी की शुआएं हैं लेंस से गुजरने के बाद मिलती हैं या फिर मिलती हुई नज़र आती हैं, इसको हम कहते हैं, इस नुक्ते को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस, सब लेंस के जो है दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, F1 और F2। ओके, क्योंकि दो सतहों से बनाए ना, दो कुर्रों से, तो इसका यहाँ पर इस तरह से F1 F2। उसके बाद जो है
फोकल लंबाई, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, अलामत है इसकी। तो लेंस के नूरी मरकज ओ से प्रिंसिपल फोकस F1 या F2 का फासला जो है फोकल लंबाई कहलाता है। यहाँ देखिए फोकल लंबाई क्या है, लेंस से नूरी मरकज से प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, प्रिंसिपल फोकस यहाँ कहीं होता है। तो ये जो लंबाई होती है ना F1 और F2 से, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई क्या है, यहाँ पर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, फोकल लंबाई कहते हैं इसे। उसके बाद जो है अपर्चर, फोकल लंबाई है जो है OF1 और OF2 की, OF2 की तरह इसे डिनोट की जाती है। ओके, उसके बाद जो है अपर्चर, कुर्रवी लेंस की दायरी सरहद का कुतर उसका अपर्चर कहलाती है। अब ये जो कुर्रवी लेंस जो होता है, जिस भी कुर्रे से जो बना है, इसका जो है कुतर, एक दायरे का जो कुतर है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। उसके बाद ये सारे सवाल जो है कभी कभी 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए या फिर 3-4 मार्क के लिए अपने हिसाब से वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहद्दब लेंस को तकारबी लेंस और मुकर लेंस को गैर तकारबी लेंस क्यों कहा जाता है। तो मुहद्दब लेंस रोशनी की मुतवाजी शुआओं को इनताफ के बाद क्या है, एक नुक्ते पर मरकूज करता है, इसलिए उसे तकारबी लेंस कहते हैं। और मुकर लेंस रोशनी की मुतवाजी शुआओं को इनताफ के बाद फैला देते हैं या बिखेर देते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, गैर तकारबी लेंस कहते हैं। ओके, मुहद्दब लेंस रोशनी की शुआओं को, मुतवाजी शुआओं को इनताफ के बाद एक नुक्ते पर मरकूज कर देते हैं, तकारबी। मुकर लेंस रोशनी की मुतवाजी शुआओं को इनताफ के बाद एक नुक्ते से जो है हटा देते हैं, फैला देते हैं, वे तकारबी। ओके, इसको हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तकारबी मतलब कन्वर्जिंग, गैर तकारबी मतलब डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके बाद जो है आपको ये टेबल जो इम्पोर्टेंट है साइंस पार्ट टू बुक में, बाब नंबर 10 पेज नंबर 97 और टेबल नंबर 10.4, ये टेबल आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है कि शेय के तमाम मकामात के लिए मुहद्दब लेंस के ज़रिए बनने वाली शबिया की नौयत, शबिया का मुकाम और जसामत किस तरह से होती है। तो जब शेय लाइन इंतहा पर हो तो आपने ये एज इट इज़ इसको जो है एटलीस्ट, अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है तो ठीक है, वरना आप 1, 2, 3 या 5 बार लिख कर इसको जो है परफेक्ट कर लो, याद कर लो। ओके, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो इसको याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा कम समझते हो तो कोई बात नहीं, हर इंसान बराबर तो नहीं होता ना, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप कम मार्क्स लें, प्रैक्टिस करने से जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप हर चीज़ को अच्छी तरह से याद भी रख सकेंगे। कोई ना कम जहन कुन जहन नहीं होता है, कोई स्टूडेंट कुन जहन नहीं होता है, हर अपने आप को समझ लेता है कि वो कमज़ोर है। बस हर स्टूडेंट को है ना अपने दिमाग की कैपेसिटीज़ को, एबिलिटीज़ को जो है इस्तेमाल करना नहीं आता। ओके, अपने स्टडीज़ पर फोकस करें और जो है अच्छी तरह से आगे इम्तिहान के लिए तैयारी करने की कोशिश करें। बहुत मौका मिल रहा है आपको पढ़ाई का, इस मौके को गंवाएं नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब शेय ला इंतहा पर होती है तो शबिया कहाँ बनती है, फोकस टू पर, जो कि बेहद तख़फीफ़ शुदा होती है, नुक्ते के बराबर हकीकी और उल्टी होती है।
ओके, इससे रिलेटेड पूरा जो है सवालात के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। बस ये आपको आपने ये टेबल जो है आपने याद करके रखना है, ओके। इंशाल्लाह कल के वीडियो में इसके रिलेटेड सवालात के मुताल्लिक मैं बताने वाली हूँ, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और आज के लिए टॉपिक तो इतना ही था, तो इंतज़ार कीजिए कल के वीडियो का। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, जज़ाकल्लाह खैर।